लेकिन तुम्हें तो मैंने देखती समझ लिया था, हर खूबसूरत औरत उसकी कमजोरी है। कहना क्या चाहती होगी? मैं तुम्हें कुछ हकायक बताने आई हूं जिससे तुम जैसी कम अक्ल लड़की की आंखें खुल जाए। कैसे हकायक? वो बातें जो शहीद ने तुमसे छुपाई हैं। किस बकवास कह रही हो तुम? शहीद मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, क्यों मलगरा रही हो मुझे? हाँ, कोई बदला लेना चाहती हो उससे? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? बहुत भोली हो, भोली हो, वरना अपनी बहन का घर क्यों तोड़ती? तुम्हारी तरह की मोहब्बत के दावे उसने कभी मेरे साथ भी किए थे, लेकिन उसने ना मुझसे शादी की और ना ही वफा। शादी उसने इरा जैसी बावफा लड़की से की, लेकिन वफा नहीं कर सका। तुम बदला लेने आई हो ताकि तुम्हारी बातों में आके मैं शहीद को छोड़ दूं, है ना? मैं अपनी बर्बादी के बाद तुम्हें सिर्फ एक बात करने आई हूँ, संभल जाओ। जिस परिंदे को हर डाल पर मंडलाने की आदत हो, वो वफा नहीं कर सकता। आज उसने अपनी बीवी के खातिर तुम्हें छोड़ दिया, तो क्या गारंटी है कि वो किसी और के लिए तुम्हें नहीं छोड़ेगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। शहीद ने मुझसे वादा किया। उसकी फितरत में ही बेवफाई है, तुम किससे उम्मीदें लगा बैठी? खैर, मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्योंकि अगर अब शहीर को मेरा पता चल जाता है तो मुझे उसका कोई डर नहीं। सुनो, कुछ देर रुक सकती हो? जी, शहीर के मुतालिक और कुछ बता सकती हो? इतना कुछ बता सकती हूँ जो शहीद अहमद खुद भी अपने बारे में नहीं जानता।